2019 हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, R9 टीवी की टीम चुनावी यात्रा पर निकली है और चुनावी यात्रा के जरिए हर एक विधानसभा क्षेत्र पर जाकर ये कोशिश कर रही है जनता के मन को टटोलने की कि आखिर इस चुनावी फिजा में बयार किसकी बह रही है, आखिर वो अपने मौजूदा विधायक के काम से कितना खुश है और कितना नाखुश। नाखुश है तो तमाम दलों के नुमाइंदों से मांग रहे हैं हम जवाब, और इसलिए आज हम पहुंचे हैं गोहाना। जी हाँ, हरियाणा के गठन के साथ गोहाना विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। गोहाना अपने मिठास के जरिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जलेबी न सिर्फ अपने स्वाद के लिए बल्कि अपने आकार, अपने साइज के लिए जानी जाती है और जिसे जलेबी नहीं जलेब कहते हैं। और गोहाना की राजनीति भी कुछ इसी तरह है, मिठास के लिहाज से नहीं बल्कि जलेबी के लिहाज से। कुछ राजनीतिक जो चाले हैं वो पेच फंसे हुए हैं, उन्हीं पेचों को सुलझाने की जो कोशिश है वो आज हम इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। और गोहाना एक और वजह से सुर्खियों में रहता है और वो है गोहाना को जिला बनाना, क्योंकि आज तक गोहाना जिला बनने से महरूम है। क्यों महरूम है जानेंगे वजह हमारे खास मेहमानों से, लेकिन मैं अपने खास मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे कराऊं, उससे पहले मैं अपनी सहयोगी ऋतु बिष्ट का रुख करूंगी जो जनता के बीच रहेंगी। बिल्कुल आशिमा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास जनता है, वो जनता जो सीधे सरोकार यहाँ पर रखती है कि वो अपने नेता से सवाल कर सके, वो सवाल जो उस नेता ने वादे किए थे, दावे किए थे कि चुनाव में अगर आप मुझे विजय कराएंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे आपका विकास होगा, आपके शहर का विकास होगा, आपके जिले का विकास होगा, आपके गांव गांव का विकास होगा। लेकिन क्या यहां पर इस तरह की हकीकत हो पाई है, इसी को जानने के लिए आज हम गोहाना पहुंचे हैं और गोहाना की जनता हमारे साथ है और गोहाना की जनता से ये जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनसे क्या वादे किए थे, क्या उन सभी वादों को पूरा किया गया है और अगर कोई वादा छूट गया है तो उसके पीछे क्या रहा, क्या शिकायतें की गई, बार बार शिकायतें की गई और उन बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई रिएक्शन नेताओं का इस पर नहीं रहा, और आखिर में अब आने वाले इस कुरुक्षेत्र 2019 में किस तरह की रणनीति, जहां पर एक तरफ नेता बना रहे हैं तो वहां पर जनता क्या सोचकर बैठी है कि अब की बार वो क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं। तो बिल्कुल ऋतु, ये तो चुनावी फिजा में आखिर किसकी बयार बह रही है जनता ही साफ कर पाएगी, क्योंकि जनता के मन में भी बहुत से सवाल होंगे। और जल्दी से मैं अपने खास मेहमानों का स्वागत कर लेती हूं। बीजेपी से युवा नेता तीर्थ राणा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस से भूपेंद्र मलिक है हमारे बीच, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेजेपी से नरेंद्र अहलावत है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और INLD से ओम प्रकाश गोयल जो कि वरिष्ठ नेता है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो बिल्कुल सर, जिस तरह से सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से मांग रही है गोहाना को जिला बनाने की, लेकिन आज तक क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है? आज तक चाहे कोई भी सरकार रही है, इस पर गोहाना को जिला बनाने की राजनीति की है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा नहीं किया कि हम गोहाना को जिला बनाएंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिला बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में गोहाना को जिला बनाया जाएगा। बिल्कुल, तो हम हर एक दल के जो नुमाइंदे हैं उनसे इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हालांकि आपका यहाँ पर इतना नहीं रहा है वर्चस्व, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हमेशा यहाँ पर रही है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि गोहाना एक लंबे वक्त से यहाँ की जनता मांग करती रही है, क्योंकि सोनीपत का उनको रुख करना पड़ता है, सरकारी कार्यालय को चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों आज तक गोहाना जिला नहीं बन पाया? हमारे बीजेपी के साथी ने अभी कहा कि हमारी सरकार ने कोई वादा नहीं किया जिला बनाने के लिए। जिले की मांग काफी अरसे से यहाँ से उठ रही है, समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, वकीलों ने यहाँ पर धरने दिए हैं और वहाँ पर इनके बीजेपी के माननीय सांसद श्री रमेश कौशिक जी आए थे और उन्होंने कहा था कि एक साल के अंदर हम इसको जिला बनाने की पूरी औपचारिकताएं पूरी कर देंगे, मगर सरकार बिल्कुल विफल रही है। मैं INLD की तरफ से, हमें क्योंकि 15 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, यदि हमारे को सरकार बनाने का मौका मिला और इसी प्रकार से शहर के कुछ सामाजिक संगठन
मिलकर के यदि उसकी मांग करेंगे तो निसंदेह इस बात पर गौर किया जाएगा। बिल्कुल सर, आपसे तो वाजिब बनता है ये सवाल, क्योंकि आप ही की यहाँ पर आप विधायक आपकी पार्टी के हैं और दो बार से जनता आप ही की पार्टी पर जो भरोसा है वो जता रही है। और अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर भी कहीं ना कहीं वो सोनीपत को अपना घर बताते हैं, रोहतक को अपना घर बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोहाना के साथ ये भेदभाव क्यों, क्यों जिला नहीं बन पा रहा है गोहाना? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गोहाना को अपना घर माना है, जिला बनाने का कभी कोई वायदा नहीं हुआ था और उसी के तहत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गोहाना को, जो आज हरियाणा में जो नए जिले बने थे उनसे कईयों से ज्यादा सुविधाएं दी हैं। आप देखिए, पड़ोस में हमारे पानीपत जिला है, उसमें ना तो कोई पीजीआई है ना ही कोई यूनिवर्सिटी है सरकारी, तो जो बाकी जिलों में सुविधाएं नहीं है, एक सुविधाएं देकर जिलों से भी आगे निकालने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया, ऐसे काम किए हैं जो बाकी जिलों में नहीं है और ये एक भौगोलिक दृष्टि से भी संभव। सर, हम उस बाकी काम के बारे में तो बाद में जानेंगे, लेकिन जिला क्यों नहीं बन पाया गोहाना? देखिए, जिला तो जिनका वादा था, पहले तो उनसे पूछिए, आज वो सत्ता पे काबिज हैं, उन्होंने क्या किया इस दिशा में? लेकिन यहाँ तो आपको दो बार से जिता रही है जनता। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने का कभी वायदा नहीं किया था, ना ही इसके नाम पे वोट मांगी थी। जिन लोगों ने जिला बनाने के नाम पे वोट मांगी है उनसे ये सवाल पूछिए। और ठीक है सर, आपने भी वादा नहीं किया, बीजेपी ने भी वादा नहीं किया, लेकिन वादा किसने किया ये जनता बताएगी। सर, आपकी पार्टी तो नहीं उभर रही है अभी, लेकिन अगर बात करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी अगर यहाँ आती है तो आप बनाएंगे गोहाना को जिला? नहीं, उभर क्यों नहीं रही है, हमारी पार्टी तो नंबर वन चल रही है जी। अगर विकल्प बीजेपी का है तो जेजेपी है जी। बात रही जिला बनाने की, जिला बनाने की तो बीजेपी वाले खुद कह रहे जिला बनाएंगे बनाएंगे, अपना खुद वादा करते हैं खुद मुकर जाते हैं। और ये सत्ता पक्ष में है, हम तो सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम तो जो भी जनता कहेगी गवानेगी, पहली कलम से जिला बना देंगे। हमारे नेता को हम कह करके, अगर जेजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहले गवाने को जिला बनाएंगे। चलिए, तो जेजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहले गोहाना जिला बनेगा। जनता को खुश करने के इस तरह के दावे जो है वो बड़ी आसानी से कर दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आकर यही नुमाइंदे कहीं ना कहीं अपने दावों को भूल जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया, कांग्रेस जिसे दो बार से जनता अपने भरोसे पर उतार रही है वो भी ये कह रही है, वो भी इस बात को नकार रही है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। मैं एक बार फिर से अपनी सहयोगी ऋतु बस का रुख करूंगी। ऋतु, जिस तरह से यहाँ पर अपने दावे को नकार रहे हैं, उनका कहना है कि हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, जनता से पूछे कि आखिर वादा किसने किया था। बिल्कुल, जनता हमारे साथ है तो वाजिब है कि इस तरह का सवाल यहाँ पर जनता से ही बनता है कि अगर वादा यहाँ पर नेता के जरिए किया गया था तो क्या विश्वास जताया कि यहाँ पर जीत जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को मिल रही है। आप बताइए, यहाँ तो नेता मुकर रहे हैं सीधे कि ना बीजेपी ने कहा जिला बनाने के लिए ना ही कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस सरकार में समाज ने, संगठनों ने मिलकर डिमांड करी थी कि गोहाना को जिला बनाए और कांग्रेस ने भरोसा दिलाया था कि हम जिला बनाएंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पे रैली की थी, जब भी वादा किया था कि हम गोहाना को जिला बनाएं, लेकिन जिला बनाया नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम तस्वीरों में देख सकते हैं तो सब केसरिया में है, जय श्री राम भी लिखा हुआ है टी शर्ट पे। बीजेपी के समर्थक है क्या ये, मैं मान लूं क्या, बीजेपी के समर्थक है आप सब? बीजेपी के? अच्छा, तो बीजेपी को तो मौका मिल नहीं रहा यहाँ पर, क्या ऐसी कमी रह गई, क्या ऐसे बोलने में कमी रह गई है कि बीजेपी को कोई मौका ही नहीं दे रहा है यहाँ पर? बीजेपी जी अपनी सरकार का जो भी नेता होगा बीजेपी यहाँ इसको जिला जरूर बनाएगी, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना, कुछ तो करना चाहिए गोहाना के लिए। कैंडिडेट नहीं है ना अभी, कैंडिडेट की कमी है। बीजेपी के जो नेता यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, सवाल उनसे ये रहेगा कि क्या कोई चेहरा आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, या कोशिश ये फिर रहेगी कि नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से चेहरे पर यहाँ पर चुनाव जीता जाए या कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए? आप बताइए, आपको लगती है कोई समस्या है यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं हैं जी, हमारा जो MLA है वो कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का MLA होने के बावजूद यहाँ पर विकास की वो लहर नहीं दौड़ पा रही है। हम देखते हैं गोहाना में जाओगे आप, जैसे हमारे MLA साहब हैं वो अपने बजट से उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया है, आप देखोगे रोड को जाकर देखो, मतलब बुरी हालत कर दी है। अगर यहाँ से MLA बनता है तो हमारा जो विकास है गोहाना का वो निरंतर अग्रसर बढ़ेगा।
क्या वजह यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस तो हम लगातार देख रहे हैं जीत रही है, हुड्डा का गढ़ है यहाँ पर, तो बीजेपी को मौका क्यों नहीं मिल रहा? बीजेपी को देखें तो तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस और एनएलडी के बीच में यहाँ पर टक्कर दिख रही है जबरदस्त। अब की बार हर तरह की कोशिशें रहेंगी और हर तरह से बीजेपी हर मतलब उसमें लोकसभा में हर जगह से जीत कर भारी बहुमत से, और जो भी काम होगा जनता के जनादन से सारा सब कुछ उनकी मांगे सब हर तरह से पूरी होंगी। अच्छा, ये बीजेपी का दावा यहाँ पर आशमा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल जनता से ये भी करना चाहूंगी, क्या ये चुनाव चेहरे के मुद्दे पर देखे जा रहे हैं या विकास के मुद्दे पर देखे जा रहे हैं? क्या चेहरा मायने रखता है या विकास का मुद्दा मायने रखता है? रही बात चेहरे की, बीजेपी के कुछ साथी बैठे हैं, मैं उनसे और जो बीजेपी के नुमाइंदे आए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के पिछले लगातार दो बार लगातार इस सोनीपत लोकसभा की जनता ने संसद में पहुंचाने का काम किया है, आपका सांसद वहां हरियाणा गोहाना की लड़ाई लड़ने के लिए जाता है या वहां गीत गाने के लिए जाता है? आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखे, जो बीजेपी का जो सांसद है उसका बिल्कुल निखट्टू तरह का उसका संसद में हरियाणा गोहाना की तरफ से और सोनीपत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहा है। रही बात कांग्रेस की, पिछले दस साल से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस एरिया के साथ सोतेला व्यवहार करने का काम किया है और उसी काम को रिपीट आज भाजपा की सरकार कर रही है। आज गोहाना का और सोनीपत का और पूरे हरियाणा का भला कर सकता है तो मात्र एक युवा नेता है जिसका नाम भाई दुष्यंत चौटाला जी है, क्योंकि कहते हैं वही प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाई दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल में अगर इस हरियाणा के किसी भी क्षेत्र की और किसी भी वर्ग की, चाहे वो युवा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, अगर किसी की आवाज को बुलंद किया है तो इस हरियाणा की भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। आने वाला समय भाई दुष्यंत चौटाला जी का होगा और जब भाई दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 36 बरादरी। चलिए वो तो देखना होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर दो निकल कर आते हैं। पहला सवाल बीजेपी के नेता तीरथ राणा से है, देखिए विधायक आपके भले ही यहां पर ना हो लेकिन सरकार आपकी है, सांसद आपके यहां पर चुने गए हैं, तो सवाल लाजमी है कि आपसे भी यहां पर उठेंगे। और जो दूसरा सवाल था, पहले जो एक यहां पर जनता जो है वो सवाल कर रही थी कि चेहरे की शायद कहीं ना कहीं कमी यहां पर रह गई है, क्या आपको ये ऐसा लगता है कि शायद वाकई एक बार फिर से कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ये चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल ऋतु, मैं जाऊंगी बीजेपी के नुमाइंदे के पास, लेकिन उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पर सोतेला व्यवहार करने का आरोप लग रहा है। सर आपने सुना, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है सोतेला व्यवहार। देखिए मैडम, ये कहने की बातें हैं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ सोतेला व्यवहार करते तो यहाँ PGI यूनिवर्सिटी, इतना युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, इतनी अनेक के बाद अनेक योजनाएं जो लेके आए गोहाना शहर के लिए, अगर वो भेदभाव करते तो इस तरह की चीजें जो इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आए वो नहीं लाते। सोतेला व्यवहार तो आज भाजपा सरकार कर रही है गोहाना से, लेकिन जनता तो आप पर लगा रही है। देखिए राजनीतिक द्वेष से लगा रहे हैं, आम जन से जब आप पूछेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का से बहुत खुश थे, इसी कारण आज उनके विधायक हैं यहाँ। तो कांग्रेस के जो नुमाइंदे हमारे साथ बीच में मौजूद है भूपेंद्र मलिक जी, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जनता से अगर आप पूछेंगे तो वो ऐसा नहीं कहेगी, ऐसा सोतेला व्यवहार उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जो विकास कार्य हैं वो गोहाना में कराए गए हैं। जानेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने कितना विकास कार्य करवाए, क्योंकि बहुत से आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। सर आपने मेरे सहयोगी का सवाल सुना, जनता के बीच से कह रहे हैं कि रमेश कौशिक जो है आपकी तरफ से दो बार जनता ने उन पर विश्वास जताया है, लेकिन जब संसद का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चुप्पी साध लेते हैं। जैसे मैं मेरे JJP के मित्र से मैं बताना चाहता हूं, एक तो आपने कहा निखट्टू, इस भाषा का आप प्रयोग एक सांसद के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ आपके मैं सोच का सोचता हूँ कि आपकी सोच बहुत छोटी है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, रमेश कौशिक की सांसद में हाजिरी 100% है, और वहीं दुष्यंत भी पिछली बार संसद में थे, रमेश कौशिक तो दोबारा जीत कर संसद पहुंचे हैं, और जिसको यह मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे तीसरे नंबर तक पहुंचते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे नंबर पर आते हैं। बिल्कुल हम JJP का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो तीसरे नंबर पर आती है। नहीं, हमारी पार्टी पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे नहीं है। वो उस किस तरह से दावा ठोक रहे हैं आप? उस भाई ने हमारे को बताई दी है कि सांसद नीति कोष से कितना डेवलपमेंट हो सकता है,
उस हिसाब से जैसे दुष्यंत चौटाला ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मिसार में पूरे सांसद को से इतना बड़ा डेवलप किया वहां पे, हर ढाणी में बिजली पहुंचाना या पानी के टैंकर पहुंचाना, सरकार के अपोजिशन होते हुए भी उसने जो लीडर थे ना जो बीजेपी के एमपी थे उनसे भी ज्यादा हल्का काम किया उनका। लोकसभा चुनाव में तो ये सब देखने को नहीं मिला? लोकसभा का चुनाव तो दूसरी तरह का चुनाव था ना जी। चुनाव विधानसभा चुनाव से क्या रखते हैं? लोकसभा का चुनाव तो हमारा नेतृत्व तो लोकसभा चुनाव थे क्या, कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। कांग्रेस का नेतृत्व तो लोगों को, बीजेपी का नेतृत्व तो अच्छा लग रहा था। अब नेतृत्व तो यहाँ पे है मनोहर लाल वर्सेज दुष्यंत चौटाला जी। तो अब देखेंगे, अब दिखाना आपको डेवलपमेंट की बात गंवाने की, जहां तक की मैं कह रहा हूँ आपको बात हो, हमारा पहले 2000 से 2004 5 तक राज रहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। जो मंडी नई मंडी बनी, पुरानी सब्जी मंडी, पुरानी नई सब्जी मंडी बनी, नई अनाज मंडी बनी, जितनी डिग्गी लगी, जितना भी डेवलपमेंट हुआ था सारा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में हुआ था। चलिए, यहाँ पर अपना दावा ठोक रही है जीजीपी की, दुष्यंत चौटाला के राज में बहुत काम हुआ है और नंबर वन पार्टी गोहाना में बताया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो लोकसभा चुनाव है वो दूसरी तरह के चुनाव है और विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारी बहुत ही पुख्ता है। सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि तमाम पार्टी के जो नेता है वो तो अपना दावा ठोक रहे हैं। इनेलो किस तरह से देख रहे हैं गोहाना में अपने वजूद? गोहाना के अंदर ये हमारे साथी ने जैसे कहा कि दूसरी तरह का चुनाव है, मैं उस बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि छोटा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव चेहरों के ऊपर लड़ा जाता है। ऊपर का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़कर के जीत लिया। स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। हरियाणा के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों की गिनती की जाएगी। यहां से जहां से आप आए होंगे तो सड़कों के अंदर गड्ढे हैं, ये नहीं पता चलता कि सड़कों के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। शिक्षा का बिल्कुल निम्न स्तर पर जा चुकी है। तो ये आरोप किस पर है आपका? ये सरकार के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। सर, आरोप लग रहे हैं आप पर सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे सड़कों में है, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये आज से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा में होती थी तब पता चलता था कि भी यहाँ से जींद का एरिया शुरू हो गया। लेकिन आप जाइए, आप हर रोड, हर बाईपास, जींद में बाईपास रोड हो, रोहतक से कनेक्टिविटी हो, चाहे कैथल से कनेक्टिविटी हो, हर रोड आपको नया मिलेगा। ये पार्टी के मेरे इनलो पार्टी के जो भी मित्र हैं इनको शायद पता नहीं, ये हाल कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा के राज में होता था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज में। एक बार आप घूम के आके देख सकते हैं। पांच साल से ठीक है, हम ये मान ले हमारे साथी बीजेपी के कि वो कांग्रेस की सरकार में हुए, तो गड्ढे भरना किसका काम है? जिसकी सरकार होगी वही तो गड्ढे भरेगी। किसका काम है सर? हमने तो भर दिए ना, कहीं गड्ढा दिखाओ तो आप चलो, आप यहाँ से जिन चलते हैं आप साथ में चलो। बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो गड्ढे भर दिए, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस का काम था लेकिन नहीं करवाया। जी मैडम, देखिए जब से ये सरकार आई है तीन तीन चार साल से जो सड़कें उखाड़ी थी यूं की यूं पड़ी है। कांग्रेस के सरकार में दो रिहायशी सेक्टर यहाँ विकसित किए थे आपके पड़ोस में, उन पे एक ईंट भी बीजेपी ने लगाई हो तो आप देखिए। ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया था कांग्रेस ने, उसकी जमीन अधिग्रहण की थी, वहां एक रोड़ा भी आज तक बीजेपी ने लगाया हो दिखाइए आप चल के। और यहाँ नहरों में पानी आता हो, किसानों को इतनी भारी समस्या है, बिजली नहीं मिलती, मजदूर को चार चार घंटे खड़े रहते हैं बेचारे को, आज कोई काम नहीं मिल रहा है बीजेपी सरकार। लेकिन आपकी तरफ से क्या काम हो रहा है? आपको बता रहा हूँ, बात अधूरी रह गई थी। जो बीजेपी सरकार ने जिला बनाने की कमेटी गठित की थी जिसके ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष थे, ये बीजेपी कहती है समान विकास सबका साथ, इन्होंने दादरी को तो जिला बनवाया और गोहाना के साथ सौतेला व्यवहार किया। तो बीजेपी ऐसा तो पहली बार नहीं है ना, आपकी भी सरकार केंद्र में रही थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं बन पाया? फिलहाल तो इनकी सरकार है, इनका ही वादा था, हमारा तो कोई वादा नहीं। मौजूदा सरकार पर ही ठीक रहा फोड़ना सही नहीं रहता ना सर? क्यों, अब तो इनका समय है, अब करे, किसने रोका जिला बनाने के लिए? बनाते क्यों नहीं? दादरी को भी बनाया है तो ये क्यों नहीं बनाते? जो ये विकास का या जो दावा कर रही है बीजेपी, आप, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि इन्होंने पांच साल सरकार हो गई, पांच साल में एक भी विकास कार्य का उद्घाटन किया हो तो, कोई भी परियोजना लागू करके उसका उद्घाटन नहीं कर लिया, कोई परियोजना पूरी नहीं हुई, एक का ही बता दोगे? गंवाने की बात कर रहे हैं।
सर ये कह रहे हैं कि एक भी परियोजना का शिलान्यास नहीं हुआ है और भूपेंद्र जी का ये कहना है कि एक रोड़ा सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? कहीं ये वजह तो नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है इसलिए नहीं कराना है? नहीं, एक तो कांग्रेस के विधायक होते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री जी हर साल कम से कम 150 करोड़ का बजट गुवाहाटी विधानसभा में हर साल का दे के जाते हैं, और गांव में चाहे आप देखिए बाईपास का काम हो, चाहे गुवाहाटी से बाईपास जोड़ने का काम हो सारा शुरू हो गया है, चाहे गुवाहाटी से खानपुर का रोड हो, चाहे बाई गुवाहाना से सोनीपत वाला रोड हो, सभी आप जाके देख सकते हैं कितने विकास के कार्य हो रहे हैं और गांव में समान रूप से ग्रांटे बट रही है। जनता से एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, जनता से जान लेते हैं। ऋतु, यहाँ पर सभी पार्टी फिर से एक बार दावा ठोक रही है कि हमने विकास का काम कराया है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम किया है, लेकिन जनता से ही पूछे कि आखिर गलती कहां पर है, चूक कौन सी पार्टी की तरफ से हो रही है, काम कौन कर रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आशिमा आप नेताओं से भी बात कर रही थी, कांग्रेस के नेता को भी हमने सुना, उन्होंने कहा हमने तो कोई वादा किया ही नहीं। इसका मतलब क्या जनता अलर्ट हो जाए अगर वो कोई वादा ही नहीं कर रहे हैं कि आपका विकास कैसे किया जाएगा, तो शायद ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए यहाँ पर हो सकती है। सवाल यहाँ पर जान लेते हैं, समस्या यहाँ पर जान लेते हैं, बताइए क्या समस्या है गोहाना की? गोहाना की यहाँ पे काफी सारी समस्या है। अभी बीजेपी वाले बस खाली मोदी के नाम पे वोट ले जाते हैं, यहाँ से बन जाते हैं, जो भी बात है उस चीज का पता नहीं। हम यहाँ के नौजवान बच्चे हैं, पढ़ने लग रहे हैं, कुछ की ग्रेजुएशन हो गई है, कुछ आगे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब देश की GDP कम होने लग रही है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सभी अपने वर्कर की छटनी करने लग रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो रोजगार का संकट है वो आपको कहीं ना कहीं सता रहा है? रोजगार का संकट बहुत ज्यादा है। एक युवा जो है वो कोशिश कर रहे थे बहुत देर से बातचीत करने की, अपनी ऐसी क्या बात है जो आप नेता तक पहुंचाना चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं? मैं पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी युवा पढ़ा लिखा होगा जो, वो कभी भी नौकरी मतलब अपनी अपने दम पे पा लेगा, ठीक है। और रही बात, मैं अपनी कहता हूँ खुल, लेकिन अवसर तो सरकार निकालेगी ना, निकाल रखिए, नौकरी मिली है मेरे गांव का एचसीएस लगा है भाई, मेरे गांव का एचसीएस लगा है, आप अपनी बात रखें, कृपया आप शांत हो जाएं, मैं आपके पास आऊंगी, अभी आप शांत रहें, अभी आप उनको बोलने दें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसमें काबिलियत है वो हमेशा लगेगा और लगेगा। मैं एक्सीलेंट था, नहीं तो चौटाला ने लगाया, नहीं उड्डा ने लगाया। समर्थक तो नहीं है कहीं आप दोनों समर्थक तो नहीं है कि भिड़ रहे हैं, नेता भी भिड़ रहे हैं तो समर्थक भी भिड़ जाए अपने आसपास में? जनता जनार्दन की आवाज है ये। आज हरियाणा जो हरे भरे हरियाणा के नाम से जाना जाता था, बीजेपी ने उसको दंगे करवा के आपस में भाई को भाई से लड़ा के इस हरियाणा प्रदेश को लाल करने का काम किया है, और आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता इस बीजेपी को इस हरियाणा से भगा देने का काम करेगी। अगर मेरे साथी युवा साथी, रही बात नौकरियों की, अगर बीजेपी ये दावा करती है कि हमने हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया है, तो क्यों आज हरियाणा का मुख्यमंत्री श्वेत पत्र लाने से डरता है? निरंतर इस प्रदेश के हरियाणा के युवाओं को इस मुख्यमंत्री ने ठगने का काम किया है, और आने वाले चुनाव में इस मुख्यमंत्री का अगर कोई तख्ता पलट करेगा तो वो हरियाणा का युवा होगा। बीजेपी के नेता से सीधा सवाल, देखिए मुश्किलें तो आपके लिए गोहाना से पहले थी ही, सोनीपत से अच्छा रिएक्शन आपको नहीं मिल रहा है, और देखा अगर जाए तो जो वोट शेयर में कमी है वो सोनीपत से हमेशा बीजेपी को देखने मिली है। अगर इस तरह का गुस्सा युवाओं को यहाँ पर देखने को मिला तो मुश्किलें आगे आपके लिए और बढ़ने वाली है। आशिमा सवाल कीजिएगा, रोजगार से रिलेटेड एक चीज और है, मैं अपने जेजेपी के मित्र से बता देना चाहता हूँ, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, अगर हरियाणा को जलाने का काम किया, जिसने हरियाणा जलाया था उसको ना तो रोहतक में रहने दिया ना सोनीपत में रहने दिया। और रही बात जेजेपी के मित्र से, आपसे बता देना चाहता हूँ, आप तो दुर्योधन की तरह है, जैसे दुर्योधन ने सत्ता के लालच में अपने परिवार का नाश किया था, उस तरह आपके परिवार ने भी इनेलो पार्टी की दो फाड़ करके सत्ता के लालच के लिए जिस प्रकार दुष्यंत ने अपने परिवार का नाश किया, वही भाषा आप यूज कर रहे हैं। प्रकाश सिंह की कमेटी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रकाश सिंह दो
पूर्व डीजीपी रहा है, उसके नेतृत्व में जांच करवाने का काम किया था। इस मुख्यमंत्री ने उस प्रकाश सिंह की कमेटी को क्यों जनता के सामने नहीं लेके आया? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। रही बात रोजगार की, निरंतर हरियाणा के युवाओं को बीजेपी ने ठगने का काम किया है। बार बार उनसे री एडवाइज करके धन इकट्ठा करने का काम किया है। रोजगार तो हरियाणा प्रदेश में अन्य राज्य के युवाओं को देने का काम। एक ही इंसान को, एक ही शख्स को आप सिर्फ मौका नहीं दे, जनता और भी बहुत है। आप बाकी लोगों के पास भी जाएं, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मैं बीजेपी के रुक कर लेती हूँ, उनका कुछ कहना है जिन्होंने जवाब मांगा है। आपका जवाब मिल रहा है सर। मेरे मित्र से मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे भाई, आपको शायद पता नहीं, हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप बार बार बोल रहे हैं ना, बार बार नहीं बनी, पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उससे पहले कांग्रेस की और इनेलो की सरकारें रहती थी। आपको या तो नॉलेज नहीं है, या आपको, आप जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। और बात सुनो, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा में आशीर्वाद लेकर निकल रहे, जनता ने भरपूर मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया। और हम विश्वास दिलाते हैं आपसे कि अब की बार 75 पार सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 75 पार, अब की बार 75 पार, ये नारा बीजेपी दे रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने भारी वोटों से बीजेपी आई है प्रदेश में, लेकिन इससे पहले इनेलो और कांग्रेस का ही राज रहा है। फिर भी इस तरह के हालात क्यों? देखिए, ये कोई मुद्दे लेके आए, 75 पार कोई मुद्दा नहीं है कि ये बताएं हरियाणा की जनता को हम ये करेंगे। जैसे हम बता रहे 5,000 पेंशन देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों को प्लाट देंगे, किसानों के कर्ज माफ होंगे, मजदूरों के कर्ज माफ होंगे, ये बताएं। अब की बार बीजेपी बाहर का नारा कांग्रेस ने दिया है, ये कहीं नहीं दिखाई देंगे। इन्होंने हरियाणा जलाया, हरियाणा का भाईचारा जलाया बीजेपी ने। जनता समझ चुकी है, प्रकाश आयोग इन्हीं के द्वारा गठित किया गया था, उन्होंने मुख्यमंत्री और इस सरकार को दोषी ठहराया था। कांग्रेस सरकार आने के बाद जिन्होंने हरियाणा जलाया है उनको कब्र से निकाल कर चौराहे पर सजा दी जाएगी, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही के हैं और यही रहेंगे। और जो ये भाई कह रहे हैं हार जीत तो चुनाव में होती है, ये पहले कभी देखे नहीं गए बीजेपी वाले, और ना आगे देखने को मिलेंगे। इनसे मिलना होगा तो गुजरात में मिलेंगे, ये आगे कहीं नहीं ढूंढने से मिलेंगे। ये हमारे साथी ने जो दुष्यंत चौटाला के बारे में जो बात कही है वो गलत है कि भाई उसने अपने परिवार का नाश किया है। जब अपने खट्टर साहब का कोई बच्चा है नहीं, अदालत कौन होगा? ये परिवार है, संपन्न परिवार है, हरियाणा का मान्य परिवार है। कई बार चौधरी, लेकिन सर परिवार की किरकिरी तो हुई है, इससे तो आप नकार नहीं सकते हैं। नहीं, कोई किरकिरी नहीं हुई है, दो भाई अलग हुए हैं, कोई किरकिरी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे तो पोते ने दादा की भी नहीं मानी, और जिस पोते ने दादा की नहीं मानी वो प्रदेश को क्या चलाएगा? आप इतना ढीठ पोता। आप वैसे ही कह रहे हो, पारिवारिक बात कुछ होती है, राजनीतिक बात कुछ होती है। राजनीतिक तौर पर दुष्यंत, परिवार की बात ही ना कीजिए ना सर। दुष्यंत चौटाला राजनीतिक तौर पर संपन्न हो चुके थे, और परिवार की कोई दादा बात कहेगा तो मानेगा, लेकिन मानी तो नहीं। वो राजनीतिक बात है इसकी, अपनी राजनीतिक बात परिवार से नहीं जोड़ोगे आप। बात रही विकास की, जो ये कह रहे कि 75 पार, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और सबके पास एजेंडा है। जैसे हमारे पास एजेंडा है, हमारा स्वरोजगार, अपने रोजगार अपना अधिकार के नाम से, कर्जे माफी के नाम से, और 55 साल की महिला और 58 साल के बुजुर्ग की पेंशन का वादा लेकर के, पूरा कर्जा माफी के लिए, ये सारी चीजें लेकर के निकले। और हम अगर हमारी सरकार आएगी तो सारे जितने वादे किए पहले दिन पार कर देंगे। और अब की बार जेजेपी सरकार। चलिए ठीक है सर, छोटी सी प्रतिक्रिया जी। देखा होगा आपने, सोनीपत के अंदर मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी, किस प्रकार से दो युवाओं ने आग लगा करके आत्मदाह का कोशिश की। जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बात से खुद भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री जी जो बीपीएल कार्ड धारक बना रहे हैं, अब कार्ड राशन कार्ड बनाने लग रहे हैं, और उनको 6,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, ये इसी बात का तो बौखलाहट है कि उनको पता है कि उनकी सरकार जा रही है, और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने लग रही है। सर ऐसा है जी,
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो INLT से हैं उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि इस बार BJP जा रही है और INLD आ रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। जनता का हम रुख करें, उससे पहले एक सवाल यहाँ पर मेरा JJP के जो नेता हैं नरेंद्र जी उनसे हैं। नरेंद्र जी, जो INLD के नेता हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, JJP की विचारधारा भी तो उनकी है, उनकी जैसी ही है, तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन BSP से गठबंधन कर लिया है, काशीराम की विचारधारा जो है असर तो नहीं डाल रही उस विचारधारा में? देखिए, आज तक का मेरा वर्ग जब मिलता है, जमींदार का और मजदूर का बड़ा मेल है, और हमारा पार्टी पूरी जमींदार की, किसान की, मजदूर की देसी है, और उसके साथ बहन मायावती का भी जो हमारा जो गठबंधन आया है वो भी हमारे सही होगी, पहले भी नहीं है और अब दोबारा फिर होया है, इससे पहले भी था, और उनका और हमारा इतना बढ़िया मेल है, हम आपस में एक दूसरे के इतने जैसे दूध पानी होता है ना, उस तरह हमारा मेल है, और ये गठबंधन बना रहे हैं। चलिए, गठबंधन की तो बात हम ना ही करते हैं, अभी तो बेहतर होगा, क्योंकि BSP SP का गठबंधन UP में किस तरह से फला फूला है वो दिख गया है। आप बताइए, क्या सवाल आपके नेताओं से? मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने 90-90 विधानसभा का दौरा किया है और 90-90 विधानसभाओं में एक समान विकास किया मुख्यमंत्री ने। अच्छा, तारीफ है यहाँ पर मुख्यमंत्री की जा रही है, आप बताइए। मैडम जी, पहले तो 90-90 विधानसभा का है, चौटाला साहब ने 6841 गाँव का दौरा किया था, पहली तो यह बात भाई, 90 विधानसभा कुछ नहीं होती, और दूसरी बात हमारा भाई तीरथ पहलवान है तो यो सिर्फ अपनी फील्ड की बता दे, 70-70 लाख रुपए बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के क्यों काटे और जूनियर के बत्ते क्यों खत्म कर दिए? और जहां पर एक बात की जाती है सरकार के जरिए से खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार लगातार दे रही है कि देश का नाम यहां पर रोशन किया जाए, राज्य का नाम रोशन किया जाए, उसके बाद इस तरह के सवाल? मेरा सवाल है जी JJP और INLO से, ये बात कर रहे हैं आजकल रोजगार की, ज्यादातर इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, BSP को बंद करवाने का काम अगर किसने किया था इसी परिवार ने किया था, लाखों लोग वहां से बेरोजगार हैं आज भी। और दूसरी बात, अगर चौटाला साहब जेल गए हुए तो किस कारण गए हुए हैं? JBT टीचर घोटाला किसने किया था? चलिए, सबके ऊपर आरोप यहां पर लग रहे हैं, लेकिन आरोपों का जो जवाब है वो आपको भी देना पड़ेगा और नेताओं को भी देना पड़ेगा। आपका सवाल? जी, जो सरकार है एक नंबर की बढ़िया सरकार है, जो भ्रष्टाचार, कौन सी सरकार? ये मनोहर लाल खट्टर सरकार, और जो पहले थी हुड्डा साहब की थी, ये जो नौकरी में घोटाले का काम था, पैसे लेकर नौकरी देना, ये करना वो करना, वो सब उन सरकारों ने किया है। मेरे खुद दो भाई हैं इसी सरकार में, बिजली वालों में जेल लगे हैं बिना किसी को। चलिए, यानी कि किसी के घर पर खुशी आई है तो किसी के घर पर नहीं, आपके घर पर क्या? मेरे गांव से भी दो लड़के लगे हैं और गरीब परिवार से थे और टेस्ट दे गए लगे हैं बिना पर्ची के और बिना पर्ची के, यानी कि कुछ लोगों को रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है? रोजगार के हरियाणा के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा के अंदर सबसे पहले ही ऐसी सरकार बनी है कि बगैर रिश्वत के जो इतने रोजगार दिए है वो पहली सरकार हरियाणा के अंदर। और मैं रोजगार के सिवा कुछ और, रोजगार के सिवा हरियाणा सरकार ने बहुत से काम किए हैं ऐसे, ये एक गिनवाना अगर गिनवाने बैठ जाए सुबह निकल जाएगी, तो इतने काम किए, अगर गणवाने की चीज है तो कांग्रेस और INLO पार्टी के भ्रष्टाचार। चलिए, यानी कि जितनी उपलब्धियां 5 साल में सरकार ने शायद न गिनवाई हो, ये शख्स वो हैं जो उपलब्धियों को सरकार की बता रहे हैं, लेकिन कुछ और हैं उनसे हम पूछ लेते हैं। खेल को लेकर यहाँ पर सवाल किया गया, खेल के लिए क्या सरकार उस तरह से प्रयासरत नहीं है जिस तरह के वादे किए गए थे? ऐसे है कि ने बेरोजगार कर BJP ने, और जो ये भाई कह रहा है ना रोजगार दिया, रोजगार छीना है युवाओं से, दिया नहीं है, छीना है, छीनने का काम है। और जय सरेआम चोर बाजारी एक और हो रही है, 10 रुपए का स्टाम्प लेने चले जाओ 20 रुपए का मिलता है इनके रात में, जो कि 10 का 10 एक में मिला करता पहले। चलिए, सभी के सवाल है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या आप यहाँ पर चेहरों को देख के अपना वोट देंगे या फिर समस्याओं को देख कर? सरकार ने कोई विकास नहीं करा ना, यहाँ ना जाट नॉन जाट का भाईचारा बिगाड़ा, प्रदेश का पूरे भाईचारा को ध्वस्त कर दिया। चेहरे पर या विकास पर वोट? चेहरा जी, दुष्यंत चौटाला सबसे बेस्ट नेता है 10 साल तक, लेकिन लोकसभा में तो अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, विधानसभा में कैसे उम्मीद है? मैम, नई पार्टी बनी है, जो जींद चुनाव हुआ था वहाँ नई पार्टी पर इतनी जल्दी जनता कैसे विश्वास करेगी? जनता करे बैठी है जी, पहला ही काम करे के, और दूसरी बात, 10 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, क्या कर दिया सारे हरियाणा में, जाट आरक्षण भूपेंद्र उठाना शुरू कर दिया, आरक्षण दे दिया। आप बताइए, नए चेहरे पर उम्मीद जताएंगे पुराने चेहरे पर?
कुछ अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे शायद जब वक्त करीब आ जाएगा। आप बताइए, आपने क्या सोचा है? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो भी बीजेपी के ने नौकरी वगैरह के बारे में बोला है, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया है, जो अभी सरकारी लगे हुए हैं उन्होंने प्राइवेट करने का फैसला किया है। जितने भी महकमा, पुलिस महकमा हुआ या रेलवे महकमा हुआ या कैसे भी महकमा हुआ, सभी को प्राइवेट करने का। यानी कि बीजेपी के नेता के लिए एक मौका है कि अगर आना है सरकार में दोबारा तो रोजगार की बात इतने दम से कहिएगा कि जनता उस पर विश्वास कीजिएगा। मैं मैडम इनसे विकास के बारे में पूछता हूँ, आप यहाँ से निकलिए और बदलो के पुल तक देखिए, एक सड़क खोदी गई थी जो कि अभी तक ऐसे की ऐसे पड़ी है, कहाँ है वो विकास? बोलते थे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, मतलब विकास तो चंडीगढ़ पकड़ा था यार, विकास के नाम पे। विधायक को लेकर कोई नाराजगी नहीं है क्या? विधायक को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, जो ये विकास की बातें कर रहे हैं, मेरे को उससे उस चीज से नाराजगी है कि ड्रेन नंबर 8 के पास रोड खोदा हुआ था, व्यापारी आदमी अपने दुकान से सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था, विकास अगर होता तो जाता, रोड पे खड्डे खुदे होने के। चलिए खड्डों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, आप बताइए क्या इस बार सोचा है? चुनावों की तारीखें ऐलान हो जाएंगी, कुछ सोचा है सरकार किसकी बनानी है या किस चेहरे पर यहाँ पर ज्यादा विश्वास जताएंगे आप? बीजेपी को छोड़ के किसी की भी बन जाए, जितने भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ सारे, एक बार इनसे ये पूछ लो इनमें से कितने रोजगार हैं, इन्हीं से पूछ लो, बाहर छोड़ो, ये 200-200 रुपए में वोट डलवा रखी है बीजेपी ने, एक एक पेटी दारू की इनके घर उतार के सारा कुंडवा बैठ जाए जाकर। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनके कई सवाल है, यहाँ पर हम उनसे जान लेते हैं। आप बताइए आपका क्या सवाल है? ये दो सरकार विकास के नाम पे और रोजगार के नाम पे झूठे तो घोषणा कर रही है ना, जो ये सारे सरकारी महकमे प्राइवेट कर दिए, कोई भी बालक एक भी 1% भी मेरे गांव से एक भी बच्चा नहीं लगा, क्या मेरे गांव में एक भी बालक नहीं है काबिल? एक मिनट मैडम, रोडवेज ले लो, पुलिस महकमा ले लो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ रोजगार को ही मुद्दा बनाया जा रहा है, बुनियादी मुद्दे भी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो ही अहमियत नहीं रखते हैं, स्थानीय मुद्दे, इस इलाके के बुनियादी मुद्दे क्या है जनता आखिर उससे मुझे लग रहा है कि वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का जो है वो रुख कर लेती हूँ। एक बार फिर से सर, INLD की तरफ से जो है वो सवाल किया गया था ओम प्रकाश जी ने, कि इनसे एक बार ये पूछ लीजिए कि 5 काम ऐसे क्या किए गोहाना के लिए जो 5 उपलब्धियां। देखो मैं ये बताता हूँ, देवीलाल जी ने हमारा बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, बहुत बढ़िया शुरुआत देवीलाल जी ने की थी, सरकार उसके बाद उसकी बढ़ोतरी करती रही, उड़ा सरकार 10 साल रही, उसने 10 साल में 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ा पाई, आज वो कहते हैं 5000 रुपये कर देंगे आपकी 10 साल सरकार दी, लेकिन मनोहर लाल जी ने पहले ही वादा किया था कि बुढ़ापा पेंशन हम 2000 कर देंगे, और आज कोई भी किसी भी बुढ़ापा किसी भी बुजुर्ग से किसी मेरी माता से पूछ ले 2000 रुपये उनके खाते में मनोहर लाल जी ने बुढ़ापा पेंशन पहुंचती है, बाकायदा उनके खाते में पहुंच देना कि उन्हें कहीं लेने जाना पड़ता है। लेकिन नरेंद्र जी का तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पेंशन ही नहीं मिल रही है बुजुर्गों को। नहीं, बुजुर्गों की पेंशन खाते में जाती है, पहले तो सरपंच या मेंबर को गांव के बांटते थे, दो दो तीन तीन महीने उनको इंतजार करना पड़ता था। दूसरी उपलब्धि, और देखिए हर घर शौचालय, हर घर शौचालय की बात नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने पूरी करके दिखाई है, आज हरियाणा में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ शौचालय हो, बहुत बड़ी समस्या थी, जब ये बात नरेंद्र मोदी जी ने रखी तो इसका मजाक उड़ा रहा था कि हर घर शौचालय, लेकिन मैंने देखा है MBUC परिवार से, नरम परिवार से, मध्यम परिवार से सभी यहाँ बैठे हैं, कि हमारी माता बहनें भी अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, हमको रात का इंतजार करना पड़ता था घूमने जाने के लिए, कितनी बड़ी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को चलाया और हरियाणा प्रदेश में हर घर शौचालय में काम। ठीक है सर, अगली जल्दी जल्दी, और हर घर उज्ज्वला योजना के तहत हर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, करोसिन मुक्त हरियाणा को करने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, पारदर्शिता की सरकार देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, और हरियाणा में बहुत बड़ा दांगली, बहुत बड़ा घोटाला है कि मास्टरों की बदली के लिए होता था, बात बदली के लिए मास्टरों की सेक्रेटरीएट में लाइन लगी रहती थी, ऑनलाइन काम करने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। बिल्कुल, तो ये 5 उपलब्धियां तो उन्होंने गिरा दी, आपने 4 मांगी थी, तो 5 गिनवा दी। मैडम ऐसा है, पहले इन्होंने गिनवाया कि बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपए खट्टर साहब ने घोषणा करी थी और वो दी, ये सरासर झूठ है, इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार बनते ही 2000 रुपए देंगे, 200-200 रुपए करके किस्तों में बढ़ाई है, एक मुश्त नहीं दी,
दूसरी बात, उसके अंदर भी किंतु और परंतु जैसी कई शर्तें लगी हुई हैं। बुढ़ापा पेंशन मान और सम्मान का प्रतीक थी कि कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर का वो ले सकता है। इसके अंदर क्या लगा दिया, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है नहीं ले सकता, नौकरी करता है सरकारी नहीं ले सकता, वो मान सम्मान के लिए दी थी या बुढ़ापा पेंशन दी थी। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना की इन्होंने कही है। उज्ज्वला योजना के अंदर जिस गरीब के घर सिलेंडर दिया गया है, उनमें से आज आप इंक्वायरी कर लें किस भाई ने दोबारा भरवाया है, वो फ्री में नहीं दिया है किसी भी भाई को। मैं इस जनता को भी बताना चाहता हूं, अगर कोई धोखे में हो और सिलेंडर ले रहा हो फ्री में है तो वो फ्री में नहीं है। वो सुनिए सुनिए बात को सुनिए, आप बात का पता नहीं हो तो सुन लीजिए। देखिए सर, आप लोगों से सभी से गुजारिश है, मौका दीजिए, ये नुमाइंदे आपके बीच में इसीलिए आए हैं जवाब देने के लिए। सुन लीजिए, जब आप वो सब्सिडी का सिलेंडर दोबारा भरवाने जाएंगे, अगर उसका 700 रुपए रेट है और बिना सब्सिडी के का 465 रुपए है, तो वो 235 रुपए हमारे बैंक खाते में आते हैं, उस भाई के नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आते ना। सर क्या कहेंगे बताइए। देखिए, मोदी जी ने सबसे सरकार बनने से पहले सबसे ही पहले गरीब आदमियों की जनधन योजना के तहत गरीब आदमी खाते खुलवाए थे। मैं अपने मित्र से बता देना चाहता हूँ, पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो 17 करोड़ खाते भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमियों के जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे। और जो भी गरीब की सब्सिडी है खाते में जाती है, मेरे एनएलओ के मित्र से बता देना चाहता हूँ मैं। चलिए सर, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। मैं आपका भूपेंद्र जी, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो दावा करती रही है कि विकास जो है वो रिकॉर्ड तोड़ किया गया है, आप भी अपनी उपलब्धि गिनवा दीजिए इन 5 सालों में, 5 साल नहीं बल्कि 10 साल। बिल्कुल गिनवाएंगे जी। जो मैं गुहाना क्या, पूरे सोनीपत जिले के साथ बहुत बड़ा धोखा बीजेपी सरकार ने किया है। सर आप बीजेपी को छोड़ दीजिए फिलहाल, फिलहाल अपनी पार्टी की बात कीजिए कि इन 10 सालों में 5 काम बताइए। 10 सालों में एक तो पीजीआई बनवाई ये आपके पड़ोस में, 9 यूनिवर्सिटियां जबकि एक भी यूनिवर्सिटी नहीं होती थी सोनीपत के अंदर, जींद से सोनीपत तक की रेलवे लाइन बनवाई, 2 सेक्टर यहां मंजूर किए, 1 ट्रांसपोर्ट नगर यहां आपके गोहाना में ही मंजूर किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गोहाना में फ्लाई ओवर बनवाया, सोनीपत में 3 फ्लाई ओवर बनवाए, और जो खेल नीति थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, सोनीपत के युवा जो सबसे ज्यादा देश में मेडल लेके आए वो यहाँ के थे, उनके लिए खेल स्टेडियम बनवाए गए, और जो उनको एक गुड़गावा की तरह जो सोनीपत का एक माहौल बनाया, और जो फैक्ट्रियां आई एक के बाद एक, ये कांग्रेस के राज में आई है, और जो यहाँ जो रेल कोच कारखाना लेकर आए थे चौधरी, इतनी फैक्ट्रियां आ गई है तो फिर भी रोजगार की कमी क्यों है? इनके राज में होगी ना, आर्थिक मंदी के कारण बंद कर। सर आप भी तो विधायक हैं, कुछ उम्मीदों के साथ ही तो आपको लाए होंगे दो बार जनता, आखिर फिर आपके स्तर पे क्या काम किया जा रहा है? देखिए विधायक मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी की तरफ से हूँ। आपकी पार्टी जी, आपकी पार्टी यही समझ लीजिए। ऐसा है, विधायक तो अब विपक्ष में है, अब ये मेरे भाई कह रहे थे इनको पता ही नहीं विधायक के पास कोई कोटा होता ही नहीं, ये कह रहे थे। सरकार का काम है, जो सरकार होती है उसने करना है। कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में पूरे गोहाना को ऐसा चमकाया है कि आज तक 50 साल से कोई भी काम नहीं हुआ था गोहाना में, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक के बाद एक करके दिखाए हैं। हम रिकॉर्ड से आपको बता सकते हैं कि काम को गिराने लगे, चलिए ठीक है, समय शाम हो जाएगी आपको, चलिए ठीक है, गिनवा के दिखा दे, चलिए ठीक है, काम गिनवा के दिखा दे, चलिए ठीक है, शाम हो जाएगी। इतना बड़ा दावा ठोक रहे हैं भूपेंद्र मलिक जी कि शाम हो जाएगी, इतने काम कराए हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं बता पाए थे सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने के। सर आपने बीजेपी की उपलब्धियां सुनी, कांग्रेस की उपलब्धियां सुनी, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आने वाले चुनावों में? बीजेपी की उपलब्धि भाई ने बताई, भाई जो बीजेपी की उपलब्धि बताई, अगर घर में शौचालय, हर घर में अगर ये एक रोजगार दे देते तो कई कई शौचालय बना लेता वो आदमी। उज्ज्वला पेंशन योजना, उज्ज्वला के बारे में, अगर हर उस घर में गरीब आदमी के घर में अगर ये रोजगार दे देते। आप इसको उपलब्धि नहीं मानते कि हर घर में शौचालय? कोई उपलब्धि नहीं है, महिलाएं बाहर जाती हैं, एक सुरक्षित माहौल जो है वो मिल रहा है। रोजगार अगर होता जी, वो रोजगार सब, ये तो महिलाओं के लिए ना उपलब्धि तो है, महिलाओं को रोजगार दे दो, वो हर साल में शौचालय बनाएगी,
हर घर बनाएगी। ये बेरोजगार नहीं है, सर भी इन्होंने ना खिल वो झंझना दे दिया। आज इस प्रदेश देश में इन्होंने गरीब को गरीब कर दिया, एक बिठा दिया, अगले में गरीब नहीं गरीब रहना है। और बात जहां तक दूसरी है, ये तो सिर्फ कोई मुद्दा बताओ ना, रोजगार का जरूरी है मुद्दा, कोई इंडस्ट्री लाए हो, कोई और कोई काम किया हो, इंडस्ट्री को लेकर हमारा विजन है, हमारे नेता का विजन है, घर घर में रोजगार देंगे। चलिए सर, वो मैं विजन पे आऊंगी आपके, लास्ट में लूंगी मैं इस पर प्रतिक्रिया पर। ऋतु, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के मुद्दे तमाम चीजें हमने यहाँ पर उठाई हैं, लेकिन एक बार जनता के बीच जाकर जल्दी से फटाफट एक रिएक्शन बुनियादी मुद्दों को लेकर, बिजली, पानी, सड़कें, इसको लेकर जनता का क्या कहना है जो आवाम यहाँ पर बैठी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले आप बताइए, जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया, उपलब्धियां जिस तरह की गिनाई, मानते हैं वो उपलब्धियां हैं सरकार की? मैं बायतीर थराना से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बायतीर थराना ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन हमने 2000 रुपए कर दी है, ठीक है, हमने मान लिया कि आपने 2000 रुपए कैसे दी है, मगर जो बुजुर्ग लाचार है, जो इससे चला नहीं जा रहा, उनकी भी आपने बैंक में लाइन लगवा दी है, क्या क्या उपलब्धि है ये? पहले इन लोगों के सरकार में, हर बुजुर्ग को घर बैठे पेंशन दी जाती थी, और आप भाई संसद की बात करें है, उन्होंने विपक्ष में 6000 से ज्यादा लोग सर में लगवाई है, आपने बताओ क्या करवाया है? वो भाई एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो एसएससी पेपर दे रहा हूँ भाई, सुने जिस तरह की उपलब्धियां आप बोल रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, क्या ये सच में है? मैडम जी, कोई सच नहीं है, इन तो लूटने का काम कर रहा है, फिलहाल का सबूत देश को हुए बिजली। ये विधायक के लिए गुस्सा है या फिर किसके लिए, सांसद के लिए, सरकार के लिए? सरकार के लिए जी, सरकार के लिए गुस्सा है जी। सरकार की मूलभूत गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को इतने बिजली के बिल थोप दिए, तक वो आदमी भर नहीं सकता जी। आप बताइए मैडम जी, एक मिनट, सुविधाएं, सुविधाएं, अरे अरे एक आदमी के पास किसी का 60,000 रुपए बिल आ रहा है, किसी का 10,000 रुपए आ रहा है, किसी का 17,000 रुपए। सरकार की सुविधाएं, हर 10 किलोमीटर पर कन्या के कॉलेज खोल दिए हैं। ये जो 5 उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और जो मूलभूत सुविधाएं जनता की होती है, आप बताइए। कॉलेज पटाड़ा मार के रोड जाम कर रही थी मैडम। देखिए, कुछ लोग हैं जो बोलने से कतरा रहे हैं, यही वो युवक हैं, अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो पहुंचेगी नहीं नेताओं तक, फिर रोइएगा, यही बोलिएगा कि रोजगार नहीं दिया गया। मैं तो भाई साहब तो एक बात पूछना चाहूंगा, रेलवे की लिस्ट लागी है, 120 में 120 लागी ओबीसी भाई, कितना रोजगार मिल रहा बड़का ने? भ्रष्टाचार खुद करना रहा ये रोत की, पानीपत की थारी एक और वेबसाइट ये भाई एयरफोर्स की, थारी सरकार में होगा भाई, हमारी सरकार में तो ना। आप बताइए, आपको क्या लगता है सुविधाएं जो देने के लिए बोला गया था सरकार के जरिए दी गई है? 120 में से भी 100 बच्चे एक्स्ट्रा ले रखे हैं, उनका क्या हुआ? 120 में से 120 का भी, ये तो रोजगार का मुद्दा हो गया, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं युवा के लिए, सबसे जो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। को लेकर नाराजगी, अपनी राइट साइड में आप जाइए और एक बार वहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। 3 दिन पहले देखिए आशमा, यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे पूछना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा बुजुर्ग है, बुजुर्ग यहाँ पर अहमियत ज्यादा देते हैं कि किस तरह से विकास के मुद्दे हैं और कौन कौन से विकास के मुद्दे जो है वो रह गए हैं। बीजेपी सरकार ने जिस बंदे के पास 15,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी, 23,000 का चालान कर दिया, एक तो ये। दूसरा मुद्दा ये मेरे सभी भाई, आप इसको सेफ्टी के तौर पे नहीं देखते, हाथ से रुकेंगे? नहीं नहीं, सेफ्टी का, उसकी जेब में 15,000 रुपए थे, गलती करने से तो रुकेगा? नहीं नहीं, दूसरी सेकंड, गलती करने का ये इतनी बड़ी सजा नहीं है। दूसरी बात, मेरे जितने भाई बैठे हैं, सभी व्यापारी वर्ग के भी बैठे होंगे, हमारे बनिया कास्ट से भी बैठे हैं, किसकी दुकान पे आज कोई काम है आप ये बताइए? ये बेरोजगारी यहाँ भी है। बिल्कुल, कई मुद्दे देख सकते हैं आशिमा के, किस तरह का गुस्सा जो है वो यहाँ पर लोगों में बना हुआ है, जनता में बना हुआ है। नेताओं से सवाल सीधे यहाँ पर किया जा सकता है कि आखिरकार ये क्या है, जो वादे आपने किए हैं वो पूरे क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? देखो, इतने 1 घंटे से हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहूंगी ऋतु कि यहाँ पर इनसे छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर इन तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों का आखिर क्या विजन है। तो सर, आप अपने विजन को बता दीजिए। उपलब्धियां तो आपने गिनवा दी है, लेकिन अब क्योंकि गोहाना में डीजीपी को लेकर थोड़ी नाराजगी तो है, कैसे दूर करेंगे? देखो, जैसे गोहाना में ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, और अब हमारे को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गोहाना से जीत कर 100% निकलेगी, जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा
जनता यहाँ से जितवाने के लिए तैयार है। तो मैं एक साथी का जवाब देना चाहता हूँ। सर जवाब रहने दीजिए। एक सपूत चलाने के बारे में बोला था, आप उस परिवार से जाके पूछिए जिसने हेलमेट नहीं पहना था, उसका एक ही बच्चा था, वो इस जीवन में नहीं रहा। जो और स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, पूरी फैमिली उस स्पीड के कारण चली गई, उनसे जाके पूछिए। आप ये कहते हैं कि 1000 रुपये कर दिए, 2000 रुपये कर दिए, एक बार उन परिवारों से जाके पूछिए उनके साथ क्या बीतती है। ठीक है सर, विजन विजन पर आइए जल्दी, छोटी सी प्रतिक्रिया। मनोहर लाल जी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में जिस साथ, सर हरियाणा रहने दीजिए फिलहाल, गोवाना की बात, गोवाना में भी पूरे ईमानदारी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है तो यहाँ पे विकास के कार्य किए जाएंगे और गोवाना को जिला बनाया जाएगा। विकास के कार्यों में कौन से दो ऐसे काम रहेंगे जिन पर मुख्य विषय रहेगा आपका नजर रहेगी? मेरी एक तो हर गांव में मीठे पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे ध्यान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पानी हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। इस मुद्दे के साथ मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का कार्य करेगी और गोवाना को जिला बनाने का कार्य इस 5 साल में किया जाएगा। पहले तो दावा से मना कर रहे थे लेकिन अब आपने दावा ठोक दिया है जनता के सामने। सर सर आपका आगे का विजन, NLD कैसे अपना वजूद आगे रखेगी विजन को लेकर? हमारा विजन क्लियर है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। दूसरी बात, सरकार आपके द्वार, सरकार हमें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार के पास सरकार यहाँ चल करके आएगी और किसी भी प्रकार का जो व्यापारी वर्ग है उसको, यानी जिला बनाने का आप भी दावा ठोक रहे हैं? जिला बनाने का दावा तो हमारे नेता लोग कहेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि यदि कोई शिष्टमंडल आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला या ओम प्रकाश जी चौटाला से मिलेगा, अगर वो हाँ कर लेते हैं तो जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, सच्चे का दूसरा नाम अभय सिंह चौटाला है, अगर उन्होंने हाँ भर ली तो निसंदेह सरकार आते ही पहली कलम थे गोहाना को जिला बनाने का। चलिए ठीक है सर। सर आपका क्या लक्ष्य, आगे क्या एजेंडा रखते हैं गोहाना के लिए, क्योंकि 10 साल में तो नहीं दिखा कुछ? जी कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रैक्टिकल काम करके दिखाए हैं, ये बीजेपी की तरह नहीं, बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत बताओ, इन्होंने एक भी कॉलेज खोला हो या सर अभी जनता के बीच से तो कोई कह रहा था 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं एक भी नाम पूछिए झूठ बोलने से क्या है, एक भी खड़ा होकर नाम बताए कौन सा कॉलेज है कौन से गांव में बताए। ठीक है सर, आप अपना एजेंडा रख दीजिए। एजेंडा हमारा ये है कि बेटियों की शिक्षा के लिए जिस प्रकार पहले महिला यूनिवर्सिटी बनाई और कॉलेज खोले जाएंगे, सफाई के लिए इनकी तरह झूठा नाम झूठा प्रचार नहीं करेंगे, जैसे पहले 11,000 सफाई कर्मचारी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए, 50,000 सफाई कर्मचारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाने का वायदा किया है और इनकी तरह नहीं कि 2000 बुढ़ापा पेंशन करके। चलिए सर जिला बनवाएंगे, देखिए आप हम बहुत आखिरी पड़ाव में, आपका विजन जानना चाह रहे थे, जिला बनवा पाएंगे आप गोहाना को? जिला बनाने का फैसला तो हमारे, चलिए सर आप भी कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं, आपने तो दावा ठोक दिया है JGP की तरफ से कि जिला बनाया जाएगा पहली कलम से, लेकिन इसके अलावा दो ऐसे काम गोहाना के लिए जिस पर मुख्य तौर पर आपकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे सरकार बनते। हमारा गोहाने में पूरे पूरे गोहाने पानी की सुदृढ़ व्यवस्था होगी जी, पूरे गांव में हर टेल पे पानी जाएगा, हर गांव के घर में पानी देंगे, पूरे गोहाने कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गली पक्की होगी, हर गाँव के सड़क और जो रास्ते कच्चे रास्ते वो पक्के होंगे और हम हर घर में रोजगार देंगे और कानून सुधार व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का पूरा जमा हमारी सरकार का होगा, शिक्षा का पूरा जमा सरकार का होगा और जो भ्रष्टाचार का जो ये चलिए सर वाला है इसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे, बड़ी शांति होगी। उम्मीद करते हैं सर व्यापारी के लिए, हम इस कद पर गवाने में व्यापारी के लिए बिल्कुल भय मुक्त गवाना बना देंगे। चलिए सर हम उम्मीद करते हैं कि जो दावे आपने ठोके हैं, वादे किए हैं जनता से, आप उन उम्मीदों पर खरे उतरे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने जनता को सुना है और तमाम दलों के नुमाइंदों को सुना, दावे ठोक दिए हैं, अपना विजन भी बताया है, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिर वो किस पर भरोसा जताती है। और जनता को ये भी तय करना है कि अगर जो आगे से वादे किए जाए कम से कम उसी को चुना जाए जो वादे उसको पूरा कर सके। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।